हाथों में फेविक्विक लग गया, लेकिन लेग लगाने से इसका कोई मतलब नहीं। और हम खा रहे हैं थोड़ा सा हमारा प्री वर्कआउट वाले लड्डू। सो सबसे पहले हम लगाएंगे डक वॉक। सो मैं पंजाब में रहता हूँ और पिंडा चाहिएगा लाम है पंजाबी च, कि उरे जड़ी पत्तक है और लोग लाउंदे वार्म अप दे। सो आज हम वही लगाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड हम लगाएंगे हाइनीज, इसके 25-25 के चार सेट लगा देने एज वार्म अप। थर्ड हम लगाएंगे लेग रोटेशन, ऊपर लेके आना साइड फ्लेक्स, डाउन अप डाउन, ये 15-20 बार आपने कर देने। हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं स्क्वाट्स, और ये सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा जरूरी एक्सरसाइज है लेग्स के लिए, और इसे अपने वर्कआउट में नंबर 1 पे ही रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा बॉडी वेट है इस टाइम 65 केजी, और मैं लगाऊंगा 100 केजी के बीम स्क्वाट, और बहुत ही ज्यादा जरूरी है रेंज ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये डीप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है 100 मेरा मैक्सिमम था, तो ये पैरेलल लगाऊंगा जमीन के, बिल्कुल जैसे कि एक नॉर्मल स्क्वाट की पोजीशन होती है। ठीक है, डीप स्क्वाट में आप थोड़ा नीचे चले जाते हैं, इतना नीचे नहीं, बिल्कुल हाफ स्क्वाट वाली पोजीशन में मैं ऊपर आऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये ड्रॉप सेट होगा मेरा और आखिरी सेट होगा। तो 120 किलो बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगा, और रेंज ऑफ मोशन उसकी उतनी आ नहीं पाई, लेकिन जो बाकी थे 80 केजी के 8 और 40 केजी के 15, तो ये ड्रॉप सेट था बहुत ही ज्यादा खतरनाक मेरे बॉडी वेट के हिसाब से। तो चलिए अब आगे से शुरू करते हैं 2 मिनट का रेस्ट लेके। तो अगली एक्सरसाइज हम लगाएंगे भाई लेग प्रेस, नॉर्मल नहीं, सुमो लेग प्रेस,
जो कि हमारे हैमस्ट्रिंग को हिट करे। ओह क्योंकि क्वाड्रिसेप्स तो पहले ही हम हिट कर चुके हैं स्क्वाट्स के साथ, और अब बारी है हमारी हैमस्ट्रिंग की सेकंड। ओह और एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से लगाए कि आपको मज़ा आ रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको लगानी आती है तो चलिए वेट डालते हैं। इस पे लोग बहुत ज्यादा वेट डाल के सिर्फ हाफ मोशन में लगाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मोशन इसका क्या होगा, हमने अपनी लेग्स को लगा देनी है और पैरों को इस तरह से हमारे प्लांटेशन की जो होता है उस पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। जो हमारी टोज होगी थोड़े से आगे को झुके हुए होंगे, उनके सहारे से हम लेग को अंदर तक कर्ल करेंगे। और सेकेंडली हम इसको बिल्कुल टाइट लॉक लगा लें ताकि हमारी जो लेग्स हैं स्टेबल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस तरीके से बिल्कुल अंदर तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से हमने मशीन को हिट करना है, बिल्कुल ही अंदर पोजीशन को लेके जाना है, इनसाइड कर्ल करना है और फिर वापस से आना है और फिर से कर्ल करना है। तो इस एक्सरसाइज के हम लगाएंगे 4 सेट, 12 से 15 रेपिटेशन के, लेकिन सेट्स 3 से ऊपर ही लगाएं, 4 लगाएं। तो हम हमारी लास्ट एक्सरसाइज लगाएंगे वेटेड काफ लेग प्रेस पे, बहुत ही बढ़िया तरीके से लगते हैं, आप भी कभी लगा के देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। में से आग निकल रही है, आग लगा दी आग। तो अब स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद सीधा घर जाएंगे। तो अभी हम जिम बंद करके सीधा जा रहे हैं घर की ओर, और खाएंगे कुछ प्रोटीन मील। लेकिन अगर सिंपल परांठे हुए तो भी चलेगा। अभी 1 बज रहे हैं और 4 बजे मुझे वापस जिम जाना है। तो हमारे साथ ऐसे ही होता है भाई, हम जिम ट्रेनर हैं,
सबको अपनी लाइफ थोड़ी थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन जो काम आपका शौक हो तो उसमें ज़्यादा मतलब आप बोर नहीं होते, अच्छा लगता है इस काम में। आगे हम करें। आज खाने में क्या बना है? आलू के पराठे, आलू के पराठे, नाल देसी घी, नींबू का अचार, सब कुछ है, नाल मलाई लगी। मलाई, देसी घी, आलू दे पराठे, मलाई, अचार, अचार है जी। अचार, चाय की थी? चाह आ पी है जी थोड़ी। और रही चाह, चाह का गिलास भी अपना आ गया जी। वाह जी वाह, 40 degrees गर्मी च चाह, नहीं वो कहते ने फुल पोस्ट वर्कआउट। सो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि भाई आप बाज़ार के पराठे जितने मर्जी खा लें, लेकिन जो घर वाले आलू के पराठे हैं ना, वो अल्टीमेट ही टेस्ट देते हैं। मतलब उनका टेस्ट ही अलग होता है, और सबसे बढ़िया